चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। क्रिएटिव की आलोचनाओं के बाद दर्शकों ने बादशाहों का अच्छा रिस्पांस दिया है। शुक्रवार को रिलीज हुई अजय देवगन इमरान हाशमी इलियाना स्टारर फिल्म पहले दिन बड़े पैमाने पर दर्शकों को थिएटर लाने में कामयाब रही। यह पिछले 3 साल में अजय देवगन की पहली ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन करीब 25-30% की हाउसफुल ओपनिंग हासिल की है। बॉलीवुड के ट्रेन इलास्टिक तनर आदर्श ने ट्वीट करके बताया कि बादशाहों ने पहले दिन करीब 12 करोड़ की कमाई करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और वीकेंड में फिल्म के और ज्यादा कमाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। बादशाह दुनिया भर में करीब 3242 स्क्रीन पर रिलीज हुए जिसमें से 2800 स्क्रीन भारत की ही है और विदेशों में 442 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बादशाहों का पहला और सीधा मुकाबला आयुष खुराना की फिल्म शुभ मंगल सावधान से है जो कि इसी शुक्रवार रिलीज हुई है। बीते हफ्ते रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन की ए जेंटलमैन तो पहले ही रिलीज से बाहर हो चुकी है। ऐसे में बादशाहों की तुलना शुभ मंगल सावधान के बाद अगर किसी फिल्म से होगी तो वह फिल्म होगी बरेली की बर्फी। वैसे बता दें कि बादशाह 80 करोड़ के बजट में बनी है, ऐसे में फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 120 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा। ट्रेड पंडितों की माने तो पहले वीकेंड में यह 50 से 55 करोड़ आसानी से कमा सकती है। बीते साल रिलीज हुए अजय देवगन की फिल्म सिवाय ने जहां रिलीज के 3 से 4 दिन में करीब 34 करोड़ का आंकड़ा कमाया था, वहीं बादशाह के पहले दिन के कलेक्शन से कुछ उम्मीद बनती नजर आ रही है।